1991 में पूरी दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। पूरी दुनिया ने तय किया है कि दुनिया चले कैसे, और पूरी दुनिया के सभी देश एक तरीके से चले, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कह देते हैं। अगर उसको एकदम सरलतम शब्दों में कहें तो 1991 में यह तय हुआ कि पूरी दुनिया का कृषि, उद्योग, व्यापार, वित्तीय सेवाएं, जितना भी सेवा क्षेत्र, जितना भी आजीविका के जितने भी संसाधन हैं, चाहे कोई गोलगप्पे बेच के कमा रहा है, चाहे कोई कॉरपोरेट हाउस चला के कमा रहा है, वो पूरी दुनिया में सब एक पद्धति, एक नियम, एक कानून और एक क्वालिटी स्टैंडर्ड से चलेंगे। ये 1991 में पूरी दुनिया ने तय कर लिया, उस पर हस्ताक्षर किए, जिसे कहते हैं हम WTO के सदस्य बन गए। अच्छे देश वो होते हैं, अच्छे लोग भी वो होते हैं, दूरदर्शी लोग वो होते हैं जो आने वाले परिवर्तन को भांप ले और अपनी पूर्व तैयारी शुरू कर दे। भारत जब 1991 में वैश्वीकरण में प्रवेश किया तो उस वक्त की जो भी सरकारें रही, किसी ने फॉरसी नहीं किया कि ये दुकानों के तरीके बदल जाएंगे, खेती के तरीके बदल जाएंगे, उद्योगों के तरीके बदल जाएंगे, फाइनेंशियल सेक्टर के तरीके बदल जाएंगे, सर्विस सेक्टर के तरीके बदल जाएंगे, कृषि भी WTO के दायरे में आ जाएगी, IPR भी WTO के दायरे में आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स भी अब WTO के दायरे में आ जाएंगी, सर्विस भी WTO के दायरे में आ जाएंगी। वरना पहले 1991 से पहले सर्विस टैक्स नहीं होता था। सर्विस टैक्स पहली बार 5 चीजों पर 1995 में आया कि डॉक्टर अगर फीस लेगा तो उस पर सर्विस टैक्स लगेगा, और अब वो गुड्स GST की शक्ल में हम देख रहे हैं। तो किसी भी दूरदर्शी सरकार ने देश को चेताया नहीं कि व्यापारियों, दुकानदारों, अपना तरीका बदल लो, वैश्विक व्यापार अब इस तरीके से जाने वाला है। किसी ने बताया नहीं हमारे 1,10,00,000 दुकानों को, जो 8 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, कि डिजिटल कॉमर्स आने वाली है। देश के उद्योग संगठनों में, इंडस्ट्रियल एरियाज में, मार्केट एसोसिएशंस के जो पदाधिकारी होते हैं, दिल्ली में 1,000 मार्केट एसोसिएशन है जिसके जनरल सेक्रेटरी अध्यक्ष सब हैं, उन ग्रुप्स को, ऐसे देश भर में लाखों हैं, किसी को बताया नहीं कि डिजिटल कॉमर्स की ट्रेनिंग कैंप्स लगेंगे, आप आइए डिजिटल कॉमर्स कैसी होती है सीखिए। क्यों? क्योंकि 30 साल तक, 1984 से लेकर 2014 तक टूटी फूटी लुंज पुंज गिरती पड़ती गठबंधन सरकारें थी, और उनके लिए देश हित से कहीं अधिक अपने दल का हित था, अपना हित था, अपने परिवार का हित था, जिसे हम क्षेत्रीय दलों का आवरण दे देते हैं, वास्तव में पारिवारिक दल है। 2014 में पहली बार एक सरकार आई जो पूरे देश को बदलती दुनिया के व्यापार के तौर तरीकों के हिसाब से तैयार कर रही है। हमारे 24 साल 1991 से लेकर 2014 तक आप कल्पना कर सकते हैं, तैयारी हमें 10 साल पहले से करनी चाहिए थी, चीन ने करी। चीन जब विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना, उससे पहले उसने 10 साल अपने आप को कसरत करी अखाड़े में कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में जाना है, और चीन एकाएक छलांग मार के हमसे कहीं का कहीं चला गया, हम बराबर ही तो थे। लेकिन चीन ने 10 साल चीन को तैयार किया, चीन ने अपने आप को विश्व की मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए तैयार किया, उसके बाद वो WTO का सदस्य बना। हमारे 24 साल बर्बाद हो गए, हम देश के उद्योगपतियों को, छोटी दुकानों को, कृषि वालों को, मछुआरों को, आर्टिजन्स को, कारीगरों को, राजमिस्त्रियों को बता नहीं पाए, जिसे हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये सारा हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि भारत में रोजगार नहीं था या नहीं है। हां, 93% रोजगार आज भी भारत को असंगठित क्षेत्र यही दे रहे हैं।
1,10,00,000 दुकानें हैं पूरे देश में, नीचे से लेकर नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, 8 करोड़ लोगों को जो है जहां है जैसा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, विधवा है, वृद्ध है, दिव्यांग है, गांव में है, कस्बे में है, जो है जहां है जैसा है वही रोजगार दे रही है 8 करोड़ लोगों को ये दुकानें। 7,200 किलोमीटर की समुद्री सीमा है, 3 करोड़ मछुआरे डोंगी लेके जाते हैं, मछली पकड़ के लाते हैं, उनकी पतली मछली मंडी में मछली बेचते हैं। 1 करोड़ ट्रक चलते हैं, 2 करोड़ ड्राइवर खलासी है, किसी के 2 ट्रक, किसी के 10 ट्रक। 3 करोड़ राजमिस्त्री हैं जो भवन निर्माण से जीविका चला रहे हैं। 2.5 करोड़ आर्टिजन्स हैं, लघु उद्योग हैं, कृषि है। इस प्रकार का हमारा असंगठित क्षेत्र है। 2014 में ये सरकार आई है ये बताने के लिए कि इस पूरे असंगठित क्षेत्र को वैश्विक मापदंडों के हिसाब से संगठित होना पड़ेगा और उसके लिए वो पूरी शक्ति से नई नई नीतियां ला रही है, नए नए नारों में उन चीजों को परिभाषित कर रही है। जैसे अगर मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो उसका मतलब यही है कि अपना जो ये असंगठित क्षेत्र है इनके लिए मुखर हो, इनके मांग को खरीदने में प्राथमिकता दो, चाहे वो सरकारी वेबसाइट हो जैन की। और फिर वो यहीं नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं लोकल से ग्लोबल, मतलब जितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा है, असंगठित क्षेत्र है, उसके लिए मुखर हो, उनको आंतरिक शक्ति दे और उसको वैश्विक स्तर के, वैश्विक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के, वैश्विक तौर तरीके से, वैश्विक नियमों के अनुसार वो अपने माल का उत्पादन करके पूरे विश्व में अपना माल बेचे। यही तो उस नारे का अर्थ है, वोकल फॉर लोकल, लोकल से ग्लोबल। अगर वो कहते हैं विकसित भारत 2047, तो उसके पीछे उनका गहरा अध्ययन है, गुड अध्ययन है, वो हवाई नारा नहीं है, वो चुनावी नारा नहीं है। क्योंकि जनसंख्या का आकलन यह बताता है भारत 2005 से विश्व का सबसे युवा देश बनना शुरू हो गया, 2060 तक रहेगा। 29 साल से कम के 75 करोड़ लोग हैं भारत में, अमेरिका की कुल आबादी 34 करोड़ है, इंग्लैंड की 6.5 करोड़ है। अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन बताता है कि जिस देश में, जिस कालखंड में युवा सर्वाधिक रहे, उस देश ने उतनी आर्थिक तरक्की करी, क्योंकि युवा का शौक होता है, वो चीजें खरीदता है, वो घूमता है, वो फिरता है, वो 2 जींस खरीदता है, एक फटी भी खरीदता है, गॉगल्स खरीदता है, मोबाइल भी हर दूसरा साल में बदलता है, उसका कवर भी फैंसी लेता है, बुजुर्ग जरूरत का खरीदते हैं। तो 2005 से 2060 तक हम सर्वाधिक युवा देश हैं, इसीलिए तो सारी रेटिंग एजेंसी कहते हैं कि भारत की विकास दर 7% रहेगी, पूरी दुनिया की विकास दर 1 या 2%, क्योंकि बूढ़ों के देश हो गए हैं, वो पजामा कमीज पहनते हैं तो बेटे का पुराना पहन लेते हैं। तो जहां युवा देश हैं, 2060 तक हमारे पास ये अवसर है, हम सप्लाई कंस्ट्रेंट है, हमारे यहां मांग है, हमारा विश्व का सबसे तेज बढ़ता हुआ बाजार है, हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन हमारे पास गांव गांव में उत्पादन तंत्र नहीं है। अगर वो उत्पादन तंत्र खड़ा हो जाए तो विकसित भारत 2047, वो नारा उस अध्ययन में से निकला है। हमारे पास बेचने के लिए बाजार है, विदेशी आके बेच रहे हैं, जिसके कारण से हम 250-300 अरब डॉलर के विदेशी व्यापार के घाटे में चले जाते हैं। अगर वो माल यहीं बने, गांव गांव में उद्योगों की श्रृंखला लगे, प्रशासनिक अधिकारी दिल खोल के सहयोग करें, मैक्सिमम गाइडेंस दे, चाहे 5 बज गए तो 7 बजे तक भी बैठे, और अगर ऐसा हम कर गए तो 2047 तक हम अपनी ही माल मांग को पूरा करने के लिए गांव गांव में जाल बिछा जाएंगे। तो यही तो विकसित भारत है 2047, और क्या है? आप भाग्यशाली हो, हजारों वर्षों में ऐसा युग आया है जब आपके सामने चारों तरफ से अनुकूलता है, यह हर युग में नहीं आती। कितनी चीज चाहिए होती है व्यापार के लिए? पैसा, काम करने वाले हाथ, माल कहां बेचे वो बाजार, तीनों चीज भारत के पास है। 100 करोड़ के हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन है, मतलब 200 करोड़ हाथ हमारे पास हैं। 142 करोड़ लोगों का बाजार है जो सबसे तेजी से बढ़ रहा है, एस्पायरेशनल मार्केट है।